हाय गाइस, वेलकम अगेन इन मोसिना क्लासेस। तो बेसिकली हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ जहाँ पे पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो आज हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं 5 दिसंबर का इवनिंग शिफ्ट, पेपर नंबर 1 की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो 5 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट हम सॉल्व करते हैं। DI और जो मैथ क्वेश्चन रहेंगे उसका मैं सेपरेट बना दूंगा। यहाँ मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूंगा DI और मैथ के क्वेश्चंस का, ठीक है। और उसके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे, वहाँ डिटेल में पूरा सॉल्व कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो हम शुरू करते हैं अपने पेपर को। तो ये पहला क्वेश्चन है और पहले का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा B, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका B। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर आपका हो जाएगा A, ठीक है। इसको मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लो, लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा DI और मैथमेटिक्स पोर्शन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका ए, ओके। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप पॉज करके नोट करके सॉल्व भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो खुद से भी। 4 का हो जाएगा आपका सी और 5th का आपका हो जाएगा डी। ये सारे क्वेश्चन जितने भी है ना, ये सारे ऑफिशियल की से हैं, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, ठीक है। और इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं कमेंट में व्हाट्सअप नंबर अपना प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद आपका 6ठा क्वेश्चन आता है जो सीधे सीधे कम्युनिकेशन से है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के वन वे प्रोसेस का पूछा जा रहा है स्टेप। तो कम्युनिकेशन के स्टेप बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले क्या चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, होना चाहिए आपका एक सेंडर, ठीक है। तो ये 3rd ऑप्शन तो कट गया। अब वन वे हो या 2 वे हो, लेकिन सेंडर तो चाहिए क्योंकि वही तो मैसेज भेजेगा, तो सेंडर तो चाहिए। तो सेंडर हो गया आपका। सेंडर क्या करता है, डिकोडिंग करता है? जी नहीं, सेंडर इनकोडिंग करता है। तो आपका पहला भी कट गया। डिकोडिंग कौन करता है? रिसीवर करता है, ओके। तो अब बचा कौन सा, सेंडर, मैसेज, डिकोडिंग, इनकोडिंग। डिकोडिंग के बाद आएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता साहब। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यही बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे जितना गिवेन है, ठीक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा 2, फाइन। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन आपका आ गया कि कंसीडर करिए फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग द नॉइस पॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आपका कहाँ से, नॉइस पॉल्यूशन से आ गया, ठीक है। नॉइज लेवल डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ नॉइज। तो जहाँ पे शोर हो रहा है या आप उससे दूर जाते हो, तो नॉर्मल सी बात है कि जो नॉइज लेवल होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, सही है। मटेरियल विथ हाई सरफेस मास डेंसिटी एक्ट एज अ गुड नॉइज बैरियर, ठीक है। ये भी सही है। कैसे सही है, मान लीजिए बहुत तेज शोर आ रहा है, तो कोई दरवाजा है, कोई भारी बरकम सा, उसको बंद कर दोगे तो आवाज़ कम हो जाती है, हो जाती है, नॉर्मल सी बात है। तो ये भी सही है आपका। तीसरा जो है प्योर साइंस का टर्म है जो कि मुझे अभी क्लियर नहीं है। तो हमें इतना तो पता है कि पहला सही है, दूसरा सही है, देखते हैं। तो ए एंड बी, तो इसका आंसर जो ऑफिशियल की में ए एंड बी दिया है, और सी ऑप्शन को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ओके। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका हेतु हवास से, ठीक है। तो ये आपका इंडियन लॉजिक है, ओके। तो फायर इज अ कोल्ड, तो फायर तो कोल्ड नहीं होती है, हम सबको पता है, बिकॉज इट इज सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये दिया हुआ, अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें से हेतुभास कौन सा है। 5 टाइप्स के होते हैं, ओके। और मैंने इसका सेपरेट वीडियो डाल दिया है ऑलरेडी, उस वीडियो को आप देख सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करके ही पूछ सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा B हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है गाइस। देखिए इसका, देखिए क्या दिया है इसमें, बदीता में क्या दिया है, नॉन इन्फ्रेंशियल कॉन्ट्रीडक्टेड मिडिल टर्म, ठीक है। देखिए पहले हेतु का मतलब क्या होता है, इसको तोड़िए आप, हेतु आभास, ठीक है। हेतु जो होता है वो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म होने का आभास ही जो होता है हेतु आभास होता है, ठीक है। पूरा वीडियो में एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पे बात क्या बोल रहा है,
ये बात बोल रहा है कि फायर इज कोल्ड, तो मैं पता है फायर कोल्ड नहीं होती है, तो इसको आप इसका इन्फ्रेंशियल यानी कंक्लूजन तो आप निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि पता है फायर कोल्ड होती नहीं है। और ये साबित हो जाएगा देखते ही कि आग जहाँ लगेगी वहाँ पर धुआं होगा, गर्मी होगी, हीट होगी, तो डेट्स वाई फायर कोल्ड हो ही नहीं सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आपका। और इसको बहुत डिटेल में समझना है तो वीडियो आप देख सकते हो, वीडियो ऑलरेडी डला हुआ चैनल के ऊपर। ओके, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे था? डिप्लेशन ऑफ ओजोन से था, ये सबको पता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। और नहीं पता है तो इसका भी वीडियो पढ़ा होगा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ में, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आपका साहब की सारी स्टेटमेंट को देखते हैं क्या क्या है कंसिडर करना है। ठीक है, देखते हैं भैया। अर्थ वुड बी सेफर विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब कई लोग कहेंगे ग्रीन हाउस तो बड़ी ख़राब चीज़ है दुनिया के अंदर, तो वो नहीं रहेगा तो बड़ा बेहतर होगा। जी नहीं, हमारी जो अर्थ है उसके एनर्जी का सोर्स क्या है? सन है, ठीक है। और सन से हमें क्या मिलता है? हीट मिलती है, लाइट मिलती है, जिसके थ्रू पूरी दुनिया चल रही है। ओके, तो हमारा सोर्स एनर्जी का क्या है? सन है। तो ये जो हीट है जो ट्रैप हो रही है, ये एक नेचुरल ऑकरेंस है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये नेचुरल है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये नेचुरल है। बट इसकी गति बढ़ गई है हमारे जो पोल्यूशन करने से, इसकी गति बढ़ गई है। दैट्स वाई अननेसेसरी हीट जो है ट्रैप हो रही है, ठीक है। और जो अननेसेसरी हीट ट्रैप हो रही है उससे क्या हो रहा है? उससे धरती का तापमान बढ़ रहा है, और जब तापमान बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है? जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, जब वो पिघलेगी तो नीचे आएगी, तो जो जितने इलाके तो नीचे आएगी तो क्या होगा? समुंदर का स्तर बढ़ेगा। अब जब समुंदर का लेवल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? जितने भी देश शहर समुंदर के किनारे हैं वो सब क्या होंगे? डूबेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मालदीव है आपका। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये नेचुरल ऑकरेंस है, बिल्कुल सही बात है ये, हाँ होना चाहिए। बट जो हमारी वजह से अननेसेसरी हो रहा है, ज़्यादा जो ट्रैप हो रही है हीट, वो मैटर है आपका। तो 10 का ए सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट कम फ्रॉम द कार्बन। बिल्कुल कार्बन से आता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ओके, और ग्रीन हाउस पर भी मेरा एक वीडियो है, उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग चाहोगे तो। तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना और मुझे फीडबैक देते रहना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कहाँ पे हेल्प चाहिए, तो मैं आई विल ट्राई कि मैं आपकी हेल्प कर दूँ। ओके, लेकिन कमेंट करते रहना, और पेपर सॉल्व करवाना है तो कमेंट जरूर करो और चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अर्थ क्लाइमेट वॉज चेंजिंग इवन बिफोर मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ। बिल्कुल सही बात है, मैन के आने के पहले भी तो दुनिया कितनी पुरानी है, कई करोड़ साल पुराना अर्थ है, ठीक है। तो उसके पहले भी डायनासोर आए, फिर डायनासोर ख़त्म हुए, सब कैसे हुआ? जो बदलाव था प्रकृति का उसकी वजह से हुआ। तो बिल्कुल चेंज होता था क्लाइमेट पहले भी। तो ये तीसरा भी सही है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ABC। तो ये चौथा आपका आंसर हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द बॉडी लैंग्वेज। तो जब भी बॉडी लैंग्वेज की बात आएगी कम्युनिकेशन में, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे किनसेसिस के पास। तो यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर 11 का 3 हो जाएगा, ठीक है। और हैप्टिक्स क्या होता है? ये कम्युनिकेशन ऑफ टच होती है, ठीक है। जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो बोल तो सकते नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने वाले, तो उनके लिए उनका कम्युनिकेशन क्या है? माँ उनको टच करती है, वो रोना बंद कर देते हैं। क्यों? वो टच से वो समझ रहे हैं। तो जब हम कम्युनिकेशन ऑफ टच की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है? हैप्टिक्स आता है आपका। ओके, तो 11 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। और फोर्थ मैंने आपको बता दिया कि हैप्टिक्स क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ टच होता है, एनिमल में भी ये पाया जाता है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है आपका वो आ जाएगा 125। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैं एक साथ करा दूंगा आपको, ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत करो, अभी आप आंसर टिक कर लो जो मैथ है और DI के क्वेश्चन है उनकी, मैथ DI और पैसेज के, वो मैं एक साथ करा दूंगा आपको। ओके, स्पेशली मैट DI एक साथ करा दूंगा, और पैसेज तो आप कर ही लोगे, पैसेज में क्या है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना। आगे बढ़े। अब आपका क्वेश्चन आ रहा है कि ये है आपका रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू। ओके, अब बात आती है सर कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, हम होता क्या है और हम क्यों करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई रिसर्च करने जाते हो, ठीक है, पहली स्टेप क्या होती है? आपके पास होना चाहिए एक रिसर्च प्रॉब्लम।
रिसर्च प्रॉब्लम के बाद क्या आएगी सेकंड स्टेप, ये आएगी आपका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली क्या होता है, ये होता है कि पहले रिसर्च इस टॉपिक पे हो चुकी है और हुई है तो क्या हुई है, यही होता है आपका लिटरेचर रिव्यू। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम देखते हैं क्या क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं आइडेंटिफाई अंडर रिसर्च एरिया, जी हाँ रिसर्च एरिया कौन कौन सा है वो आइडेंटिफाई करेंगे। रिकॉग्नाइज द गैप बिटवीन टू रिसर्चर बैकग्राउंड, देखिए यहाँ पर रिसर्चर बैकग्राउंड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें रिसर्च से मतलब है, ठीक है। रिसर्चर का क्या बैकग्राउंड है, वो कहाँ से आता है, क्या है, अमीर है गरीब है, ऑल दैट ये अननेसेसरी है, नेगेटिव है, इसको काट दीजिए आप, आगे बढ़िए। आइडेंटिफाई द इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग इन एरिया ऑफ रिसर्च, ठीक है हाँ, जो भी कमी रहेगी वो हम फाइंड करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तीसरा भी सही हो गया, पहला भी सही हो गया। आगे देखते हैं रिकॉग्नाइजिंग गैप इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पल एंड पॉपुलेशन, इससे ही मतलब नहीं है आपका, ठीक है। तो हमें क्या बेसिकली मतलब है कि रिसर्च में कितना वर्क हुआ है, ठीक है, इस पर रिसर्चेज हो चुके हैं तो कहाँ तक पहुँची है, उसमें क्या कमी थी, दैट्स वाई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए एंड सी, ठीक है। हमेशा मेरी बात याद रखना, पहली स्टेप क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। रिसर्च की स्टेप बता रहा हूँ मैं, पहली स्टेप हो गई रिसर्च प्रॉब्लम, दूसरी स्टेप क्या हो गई आपकी, दूसरी स्टेप हो गई लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तीसरी स्टेप क्या हो गई आपकी, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी समस्या होगी उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल आउटकम, वो दो तरह के होते हैं, नल अल्टरनेटिव, वीडियो पढ़ा है उसको आप देख सकते हैं हाइपोथेसिस का डिटेल में। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वें पे आते हैं। देखिए अब बात यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ एजुकेशन हैविंग हाई पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग ऑप्टिमिज्म सेल्फ एस्टीम एंड कमिटमेंट टू पर्सनल फुलफिलमेंट एथिकल जजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी है, देखिए एक चीज़ होती है ना कि संस्कार, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली बात किसकी कर रहा है, संस्कार की बात कर रहा है। ये सब कहाँ से आएगी, ये सब आएगी आपके वैल्यू एजुकेशन का। वैल्यू एजुकेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन का ये आउटपुट है, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन से ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, एथिकल होंगे आप, जजमेंट आपकी बेटर होगी, एथिकल जजमेंट आप कर पाओगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फुलफिल कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, वैल्यू एजुकेशन, ये आपके सिलेबस में है। और यूनिट कौन सी, हायर एजुकेशन है, ओके गाइस। और वैल्यू एजुकेशन पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो चाहिए, तो वीडियो मिल जाएगा आपको। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है मैथ का क्वेश्चन है, ओके। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे आगे, अभी बता देते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन होगा बी एंड सी ओनली, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड 15 का। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन पे आते हैं, डिजी लॉकर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब डिजी लॉकर क्या होता है, या कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, नाम में ही क्या है, डीजी प्लस लॉकर, ठीक है। डीजी से क्या निकल सकता है, डिजिटल प्लस लॉकर, देखते हैं। इट इज़ अ डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर बाय द गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, हाँ सही बात है, नो डाउट अबाउट दैट। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल, फाइनेंशियल टेक्निकल का मतलब ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो आपको डॉक्यूमेंट अपने सेव करने हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन, ठीक है। जैसे हम पर्स लेके जाते हैं उसमें आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, डीएल होता है, ऑल दैट, तो वो सबकी नीड नहीं है। आपका एक जो डिजिटल लॉकर रहेगा उसमें आप सब कुछ रख लोगे, और जहाँ पे आपको शो करना हो, मोबाइल निकाले, अपना पासवर्ड डाला, वहाँ पे शो कर दिया आपने। इट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस देयर ई डॉक्यूमेंट, ठीक है, ई डॉक्यूमेंट ऑफ फिजिकल लोकेशन, फिजिकल लोकेशन आपकी कोई भी हो आप उसको दिखा सकते हो, ठीक है। तो ई डॉक्यूमेंट की वजह से दिखा सकते हो, डॉक्यूमेंट आपके पास हो या ना हो आप उसको दिखा सकते हो। तो सी भी आपका सही है, ए भी आपका सही है, ए एंड सी आपका आंसर हो गया, आंसर टू हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। गूगल वेब ब्राउजर इज कॉल्ड क्रोम, हाँ गूगल का वेब ब्राउजर क्रोम कहलाता है, कोई बात, अरे बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एप्पल वेब ब्राउजर इज कॉल्ड सफारी, सफारी हाँ इसको सफारी कहते हैं। और मोजिला फायरफॉक्स जो है ओपन सोर्स वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये अलग से क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मोजिला फायरफॉक्स क्या है, तो ये आपका ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है, ठीक है। एप्पल का जो है सफारी है, और गूगल का क्या है, क्रोम है, ओके।
तो हल्का सा भी आपको कंप्यूटर नॉलेज होगा तो आप ये क्वेश्चन को टिक कर ले जाओगे, और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग करके पॉइंट को। तो 17 का आंसर क्या होगा? ए बी सी चारों हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है साहब। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन पे। देखिए कमीशन, कमीशन का वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो ग्रुप पे चैनल के ऊपर। तो 18 का आंसर क्या हो सकता है? ये है आपका, तो 18 जो होगा, तो राधा कृष्णन कमीशन ने क्या किया था? राधा कृष्णन कमीशन हो जाएगी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है? तो ए का हो जाएगा आपका थर्ड। और फिर देख लेते हैं कोटारी कमीशन, जो पॉपुलर कमीशन पहले उनका देख लेते हैं। सी का आपका फोर हो जाएगा। 3 ईयर डिग्री डिग्री उसकी बात की, 3 ईयर ऑफ डिग्री एंड 4 ईयर ऑफ ऑनर्स डिग्री की बात की इन्होंने, ठीक है? जो अभी भी लागू नहीं हुआ, अभी भी ऑनर्स भी 3 साल में ही मिल जाती है, ओके? बट इन्होंने जो है सजेस्ट किया था कि ऐसा करना चाहिए हमें। तो अब देखते हैं डी का क्या होगा। डी का 2 हो जाएगा आपका, रिकंस्ट्रक्टिंग कुरिकुलम फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल। तो ये हो जाएगा डी का 2, ओके? और बचा क्या ए का? मुडायल कमीशन, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 ईयर ऑफ सेकेंडरी एंड 4 ईयर ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। तो बी का हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा आपका 1। तो आंसर हो गया आपका क्या इसका? आंसर हो गया आपका इसका सी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब स्वयं बार बार आ जाता है। स्वयं क्या होता है? स्वयं हो जाएगा पर्सनलाइज एंड एडॉप्टिव लर्निंग, ठीक है? पर्सनलाइज मतलब क्या होता है? आप अपने अकॉर्डिंग से आपको जो कंटेंट पढ़ना है वो कंटेंट स्वयं के अंदर पढ़ सकते हो। एक स्वयं होता है, स्वयं प्रभु होता है। स्वयं प्रभु क्या है? वो है DTH चैनल, ठीक है? और स्वयं क्या है? ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपका, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ, इसको एक MOOC का फॉर्म भी मान सकते हैं, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स वाला जो फॉर्म है वो भी है ये, ओके? अब MOOC क्या है, स्वयं क्या है, वीडियो पढ़ा हुआ देख सकते हैं, सारे वीडियो पढ़े हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं आप बहुत सारे वीडियोज़, और बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं पेड हैं। तो जैसा आपको लगे कंटेंट पसंद है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, फिर मैं बताऊँगा आपको कैसे प्रोवाइड किया जाता है बाकी वीडियोज़। डिपेंड करता है, ये आपको पसंद है तो फिर उसके बाद आप मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब आती है बात, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ई यंत्र लिखा है। यंत्र, यंत्र क्या होता है? कुछ बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो नॉर्मल सी बात है रोबोटिक्स हो सकता है। यंत्र हम जानते हैं रोबोटिक्स हो जाएगा। डी का 2 हो जाएगा आपका। ग्रंथालय, ग्रंथालय हिंदी वर्ड है, ग्रंथालय ग्रंथ किताब होती, ग्रंथालय क्या होता है? जहाँ पे किताबों का ढेर हो, यानी बात किसकी हो रही है? लाइब्रेरी की बात हो रही है। तो सी का 1 हो जाएगा। और बचा बी, एक ही बचा है, उसको 3 से आप मैच कर दीजिएगा। आंसर आपका हो जाएगा 19 का डी, ठीक है? एक मिनट, हाँ ए का 4, हाँ 19 का डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े हम लोग। फॉरेस्ट हेल्प इन इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी ऑफ द प्लेस, बिल्कुल सही बात है, नो डाउट अबाउट डैट। सम ट्री स्पाइसेस इमिट वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC, ठीक है? कुछ जो ट्री स्पाइसेस होते हैं वो इसको इमिट कर लेते हैं, सच एज आइसोप्रेन विच मे कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रोस्फेरिक ओजोन। ओजोन क्या होती है? ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा, पिछले पीछे क्वेश्चन आ चुका है एक बार आपका, ये बात भी सही है। बट देखिए ये रीज़न जो है ना, ये इसको बैक नहीं कर रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है बट इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेशन में सही है, ठीक है? तो ऐसे आप कह भी सकते हो बैक भी कर रहा है, लेकिन जो उन्होंने NTN एग्जाम एग्जाम में जो इन्होंने आंसर दिया है वो इन्होंने बी टिक किया हुआ था, ठीक है, ऑफिशियल की में आपने। और आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट हेल्प इन इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी ऑफ अ प्लेस बिकॉज सम ट्री स्पेसिस इमिट वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC सच एज आइसोप्रीन विच में कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोस्फेयर ओजोन। तो आप ए भी कह सकते हो, चैलेंज भी किया गया था बट इन्होंने आंसर चेंज नहीं किया था, आंसर इन्होंने बी ही रखा हुआ था, तो ऑफिशियल की में इन्होंने बी ही माना है। और एक बात तो कन्फर्म है कि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही है। हम आगे बढ़ जाते हैं अब इसके बाद। चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया आपका। डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, पहले समझ लेते हैं डिडक्टिव इंडक्टिव क्या होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च समझ लेते हैं। डिडक्टिव में हम शुरू कहाँ से करते हैं, थ्योरी से, और ख़त्म कहाँ पे करते हैं, थ्योरी को इम्प्रूव करके, ठीक है? इसीलिए कई बार इसको सर्कुलर आर्गूमेंट भी कहते हैं, शुरू जहाँ पे होता है ख़त्म भी वहीं पे हो जाता है, दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर आर्गूमेंट भी कहते हैं कई बार डिडक्टिव को, ठीक
ठीक है, डिडक्टिव क्या होता है आपका, क्वांटिटेटिव होता है, ओके। और इसका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, जी टू एस होता है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ओके फाइन। इंडक्टिव क्या होता है आपका, इंडक्टिव जो होता है वो ख़त्म कहाँ पे होता है, थ्योरी पे, ठीक है। यानी इसमें हम डेवलप क्या करते हैं, थ्योरी को डेवलप करते हैं। पैटर्न क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल, सीधी सी बात है, थ्योरी बना रहे हो, जनरलाइज करेंगे हम थ्योरी को, डैट्स वाई एच टू जी इसका पैटर्न हो जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है आपका, ये दिया हुआ है रिसर्च का पैटर्न दिया है थ्योरी, तो स्टार्ट थ्योरी से हो रहा है, ठीक है। तो थ्योरी से कौन स्टार्ट होता है, डिडक्टिव स्टार्ट होता है, अभी मैंने बता दिया आपको। और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, रिविज़न ऑफ थ्योरी पे ख़त्म हो रहा है, यानी उसी में घूम रहा है, यानी सर्कुलर है ये आपका। तो ये क्या है, ये डिडक्टिव है, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। चूज़ द ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूट, यानी जो ओल्ड लर्निंग इंस्टीट्यूट है इंडिया के, उन्हें आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी बिल्कुल है पुराना, मद्रास संस्कृत कॉलेज भी है आपका, माइथिक सोसाइटी भी है आपका, तेजपुर जो है मॉडर्न है, तो सी नहीं होगा, आंसर आपका हो जाएगा ए बी डी, ए बी डी आपका पहला ऑप्शन है, डेट्स योर आंसर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जशन रीजन का। मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन इफिशेंसी आर नॉट इंटर रिलेटेड। अब बताइए, मोटिवेशन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग और कम्युनिकेशन जो इंटर रिलेट नहीं है, भैया रिलेट है, नॉट लगा दिया, डेट्स वाई ये कट जाएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। रीज़न देखते हैं, कम्युनिकेशन एज अ सोशल प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओन वेरिएबल इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट। हाँ, उसका ओन वेरिएबल होता है, बिल्कुल सही बात है। तो एजेशन आपका गलत हो गया, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ये आपका चौथा आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ सारा, देखते हैं। इट इज़ यूजली फास्टर टू एक्सेस डाटा स्टोर इन रैम। रैम में जो डाटा होता है वो तेज एक्सेस कर सकते हैं आप। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मोबाइल परचेस करते हैं तो पहले आप क्या देखते हैं, 4 GB रैम मिल जाए, 6 GB रैम मिल जाए, 8 GB रैम मिल जाए, क्यों देखते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि स्पीड बेटर रहे, ठीक है। तो रैम का सिरे से संबंध स्पीड से है ना, हाँ है, चलिए मान लिया आपने, ओके फाइन। और हार्ड ड्राइव थोड़ा इससे स्लो होती है, और सेकेंडरी स्टोरेज भी है हार्ड ड्राइव, डेट्स व्हाई भी स्लो होती है, प्राइमरी स्टोरेज ज़्यादा क्विक होती है, कॉमन सेंस की बात है ये सब। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हेक्सा डेसिमल नंबर 99 है आपका, ठीक है, और जो आपका डेसिमल नंबर है वो भी 99 है, दोनों कभी इक्वल हो नहीं सकते। और इसका कंप्यूटर नंबर सिस्टम डला हुआ वीडियो, वो देख लीजिएगा कैसे सॉल्व किया था, उसमें डिटेल में बताया गया है आपको। तो आपका ए सही है यार, गलत है, देखते हैं, ए ऑनली, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर से आ गया आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस, तो सबसे अधिक किससे होता है, हमने अभी बात की थी कार्बन से होता है, तो बाकी बी और डी को छोड़िए आप, और बाकी दोनों काट दीजिए। सीक्वेंस पूछा गया हमसे, अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, और फिर आपका क्या आता है, फिर आपका मीथेन आता है, ओके। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका 2 हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ लिस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें। कॉग्निटिव के बगैर आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। मेंटल एबिलिटी जो भी आप स्टडी में यूज़ करते हो, जो भी सोचते हो, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो सब किससे करते हो, कॉग्निटिव डोमेन से करते हो। तो ये तो कट गया, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सोशल कॉम्पिटेंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप क्लासरूम में क्या कर रहे हो, सोशल गैदरिंग हो रही है, फिर उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये मैटर करता है आपका। इमोशनल कॉम्पिटेंस, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो ये भी नहीं होगा। लीगल कॉम्पिटेंस, यानी लॉ की जानकारी नहीं है आपको, तब भी चलेगा, आप तब भी पढ़ाई कर लोगे, उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है बट लिस्ट मैटर करता है, सबसे कम मैटर करता है। तो 26 का 3 आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ चैलेंज इन द कंटेस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। तो कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग की बात कर रहे हैं साहब, देख लेते हैं हम लोग। मैनी टीचर डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नहीं कह सकते हैं, इतनी ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है, तो कंप्यूटर नॉलेज तो हो ही रहा है टीचर्स को, और जिनको नहीं हो रहा उन्हें और ट्रेन कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है, तो उसको हम कुछ अभी छोड़ देते हैं, अभी रखते हैं बगल में। आगे देखते हैं,
कंप्यूटर विल डिस्ट्रॉय द गुरु शिष्य रिलेशनशिप। ये देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव वाले को पहले काट दिया कीजिए, तो दूसरा कट गया आपका। इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, गवर्नमेंट तो खुद चाह रही है डिजिटल इंडिया बने, वो खुद तैयार है परचेस करने को, बिल्कुल गलत है। और ऐसे कुछ ऐसे ऑप्शन कभी टिक किया ही मत कीजिए, क्योंकि पेपर जो सेट कर रहा है वो भी गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो नहीं लिखेगा ना उस आंसर को एक्सेप्ट करेगा। तो डेट्स वाई सी भी क्या है, नेगेटिव है और गलत है। ओके अब देखते हैं ए और डी में आंसर क्या हो सकता है। डी देखते हैं, रिमोट लोकेशन। जैसे इंडिया है ना एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो बहुत सारे एरिया ऐसे है ना, जैसे आपका छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं जहाँ पे नक्सली बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है कि जो आपका पावर कनेक्शन है, बिजली है, वो सब अभी पहुँच नहीं पाई है वहाँ तक अच्छे से। तो डैट्स वाई डी आंसर आपका ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसने एक रीज़न भी इसके पीछे दिया है कि क्यों नहीं पहुँच पाई है। और ए जो है ना आपका, वो क्या कह रहा है, मैनी टीचर डू, और देखिए टीचर नहीं कह रहा, मैनी टीचर कह रहा है, मैनी कह दिया तो पहले ही ये नेगेटिव हो गया ना, तो आगे सोचना ही क्या था हम लोगों को। तो डी फोर इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ट्रिकी, इसके लिए मैं बनाऊंगा वाटर के, वाटर से कौन कौन सी डिजीज होती हैं उस पर एक वीडियो। इसका अभी आप आंसर कर लीजिए टिक 28 का सी, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वाटर के जो जो पोल्यूशन हो से डिजीज होती है वाटर से, उनके साथ, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अभी। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। अ रिसर्चर कैन ड्रॉ अ डिफिनेटिव कंक्लूजन। डिफिनेटिव मतलब क्या है, कंफर्म कंक्लूजन की बात कर रहा है, सीसी की बात कर रहा है, इवन इफ देयर इज अ लिटिल एविडेंस। लिटिल एविडेंस के बेस पे कैसे आप कोई कोई चीज कंफर्म कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, जब तक आपके पास पुख्ता सबूत ना हो, कंफर्म एविडेंस ना हो, तो कैसे आप कर सकते हो। लिटिल एविडेंस के बेस पे कभी नहीं कर सकते आप। तो आपका ए तो गलत हो गया। तो ए जब गलत हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, खुद आप ध्यान दीजिएगा, मेट्रिक पे क्या है, नॉर्मल सी ट्रिक है, सबको पता है। तो ए तो हो गया है गलत, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया, ठीक है, और ए तो ट्रू है नहीं, तो बचा ही क्या आपके पास, खाली एक ही ऑप्शन बचा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आर है क्या आपका, देख लेते हैं, स्टैटिक टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हाइपोथेसिस में टेस्ट होती है, वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। हेल्प अ रिसर्चर इन ड्रॉइंग लॉजिकली करेक्ट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द डाटा। हाँ, उसी से वो टेस्ट करता है हाइपोथेसिस को, बिल्कुल निकालता है, बिल्कुल सही बात है, आपका रीजन सही भी है। तो आंसर हो जाएगा इसका चौथा। ओके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्या है, ये है आपका डिजास्टर। ओके भोपाल गैस ट्रेजेडी किससे हुई थी आपकी, मिथेल से हुई थी, ठीक है, ए का फोर हो गया। लॉस एंजलस स्मोक, स्मोक जब भी आएगा पेन के पास जाइएगा, बिल्कुल सही पाएंगे आप अपने आप को। और ये बी जो था, ये था न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ठीक है, और लव ट्रेजेडी था डंपिंग हैजेडियस सब्सटेंस, ये आपका आंसर हो गया। तो ए का फोर कहाँ दिया है, ए का फोर दिया है आपका, ए का फोर, ठीक है, ए का फोर दिया है, बी का थ्री, ए का फोर, बी का थ्री, और सी का आपका वन दिया है, ठीक है, सी का वन दिया है, और डी का लॉस एंजलिस स्मोक, डी का आपका पेन दिया है, डी का टू दिया है, ठीक है। तो आंसर आपका टू हो जाएगा इसका, ए का फोर, बी का, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, बी का थ्री और सी का वन, डी का टू, ठीक है, यही आपका आंसर है। मैथ द कॉलम में ना कई बार ऑप्शन मिलाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है इस तरह से, जब जिस तरह हम लोग पढ़ाते हैं। ओके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आ जाते हैं आइडेंटिफाई द स्किल प्रमोटेड बाय द कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। कम्युनिकेशन से रीडिंग आती है, लिसनिंग आती है, कोई डाउट नहीं होगा, सबको पता आती है यार, चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग आती है लेकिन हेल्पिंग कहाँ से आ गई सर, ये बिन बुलाया कोरोना वायरस कहाँ से आ गया, हेल्पिंग वाला इसको हटाओ, फिर हेल्पिंग यहाँ पे आ गई, हेल्पिंग हटा दो। स्पीकिंग राइटिंग आती है कम्युनिकेशन से, बिल्कुल आती है, ए और डी सही है आपका, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी है, ए और डी थर्ड आंसर हो गया आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, क्लास फोर वाला। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कंटेंट ओनली कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, सिर्फ इनपुट की बात कर रहा है। इनपुट मतलब क्या हो रहा है, जिसके थ्रू आप डाटा एंटर कर रहे हो कंप्यूटर में, आउटपुट यानी रिजल्ट जिससे आप देख रहे हो, ठीक है। प्रिंटर आपका क्या है, उससे रिजल्ट बाहर आ रहा है ना, तो वो क्या हो गया, वो आउटपुट हो गया,
ठीक है, मॉनिटर क्या हो रहा है उस पर आपको रिजल्ट दिख रहा है ना, वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। मॉनिटर यहाँ भी है, इसको भी काटिए, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये तीनों कट गया। ओके, जॉयस्टिक भी आपका इंपुट है, ठीक है, आप उससे जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, माउस से दे रहे हो, और रजिस्टर से भी आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, जैसे रजिस्टर होता है वैसे यहाँ पर रजिस्टर है, ठीक है। तो चौथा हो गया इसका आंसर। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एम डी जी गोल वेयर टू बी अचीव बाई 2015, ठीक है, 2015 में हो गया एम डी जी। एम डी जी एस डी जी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो पढ़ा है जरूर देख लीजिएगा। एस डी जी 2030 तक है भैया, 2035 तक ना है, गलत है, यह बी गलत है आपका। और एस डी जी इंटू इफेक्ट जनवरी 2016, ये सही है आपका, पहला और तीसरा आपका सही है, पहला ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी ओनली, तीसरा आपका सही है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए, इफ टू प्रीपोजिशन आर रिलेटेड इन अ सच वे डैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू टुगेदर बट अल्टोड बोथ मे बी फॉल्स, दोनों साथ में फॉल्स हो सकती है, तो ये क्या है, ये आपका गोल्डन रूल है कॉन्ट्री का, ठीक है, मैंने कराया हुआ है भैया, वीडियो देख लेना, पूरे वीडियो पड़े हुए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ये आपका है कॉन्ट्री का। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, 34 का पहला हो जाएगा, ठीक है। यही मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, देखिए ये क्या बोल रहा है, दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, बट दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, मे बी लगा दिया है। इसका जब उल्टा कर देंगे ना तो वही बनेगा सब कॉन्ट्री। चारों रूल मैंने कराया हुआ, उसको आप एक बार वीडियो देख लेना प्लीज़ जाके। ओके, और पसंद है तो वीडियो लाइक भी कर देना। आगे चलते हैं हम लोग, 35 को हम लोग देख लेते हैं, एन सी आर टी एन आई यू एस से मिला देते हैं। एन सी आर टी एन आई यू एस क्या है, स्कूल एजुकेशन है, सी का वन हो जाएगा आपका, सी का वन कहाँ दिया, सी का वन बी में दिया आपका, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 35 का बी। अब बाकी देख लेते हैं हम लोग, ए का टू, ठीक है, एन पी टेल क्या होता है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम है आपका, ठीक है, और बी का फोर दिया है, सी ई सी अंडर ग्रेजुएट, और एन आई टी टी आर क्या है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये आपका ये हो जाएगा मैथ का कॉलम। ओके, ये आपको एन सी आर टी एन ओई सी पता है तो आप मैच कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, आई थिंक क्लास समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द डिटरेंट फॉर द स्टूडेंट टू डू वेल इन हायर एजुकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे डिटरेंट क्या है, ये नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एकेडमिक स्ट्रेटजी तो अच्छी बात है, पॉजिटिव है, एकेडमिक डिस्कोर्स भी अच्छी बात है, कंप्रेशन एबिलिटी भी है, तो ये तो कट जाएगा सब, क्योंकि ये पूछ रहे हैं डिटरेंट। ओके, तो ये हो जाएगा पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, 36 का आंसर ये हो जाएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये मैथ का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्या है, पाइप एंड सिस्टम वाला क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम एंड वर्क में जो चैप्टर नंबर 2 आता है, पाइप एंड सिस्टम, टंकी कितने देर में भरेगी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल बी, और ये मैं सॉल्व करवाऊंगा कब, जब मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल आपका। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप रेशियो पुटअप करके भी इसको रख सकते हो, कैसे करेंगे क्या करेंगे वो मैं सिखाऊंगा आपको जब मैथ कराएंगे तब, और खुद से भी आप ट्राई करके देखो, हो सकता है मे भी आपको आता ही हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है ये, और फिर मैं तो कराऊंगा ही आप लोगों को। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, अभी मैं मैथ नहीं करा रहा, डीआई नहीं करा रहा, पैसेज नहीं करा रहा, ठीक है, और पैसेज में शायद नहीं भी करा पाऊंगा क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता, पैसेज पूरा पढ़ के फिर एक्सप्लेन करने के लिए बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। हाँ, मैथ में करा दूंगा और डीआई में करा दूंगा आपको, और बाकी सारे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने। 39 का आंसर आप ले लो, 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अब देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फेल टू इंडिकेट द इंटेंट ऑफ परपोजिव सैम्पलिंग, देखिए सैम्पलिंग का एक वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो आप देख सकते हो। ओके, पूरा एक बना है प्लेलिस्ट स्टैटिस्टिक्स का, उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। परपोजिव सैम्पलिंग इज नॉट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिंग केसेस इंडिविजुअल इन क्वालिटेटिव रिसर्च, भैया परपोजिव सैम्पलिंग जो होती है ना वो क्वालिटेटिव ही सैम्पलिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट लगा दिया है, तो डैट्स वाई ये स्टेटमेंट फेल हो जाती है, 39 का आंसर पहला हो जाएगा आपका। आगे बढ़े हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट फिगर ऑफ कैटेगोरिकल सिंबोलिज्म, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है,
ये क्वेश्चन आपका आया है मूड एंड फिगर से। कहाँ से आया है? मूड एंड फिगर से। इसका वीडियो अभी मैंने प्रोवाइड नहीं किया, मैं इसका वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये जो मूड एंड फिगर है, चलिए बताऊंगा उसी समय अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, वही समझाऊंगा मैं आपको। फिलहाल समझ लीजिए कि इसका जो चार फिगर है वो हम पकड़ते हैं मिडिल टर्म से, ठीक है। मिडिल टर्म कौन सा टर्म होता है? मिडिल टर्म वो टर्म होता है जो जो प्रिमाइस नंबर वन प्रिमाइस नंबर टू में कॉमन होता है और कंक्लूजन में नहीं होता है, ठीक है। मिडिल टर्म जो होता है यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, मिडिल टर्म इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ द मेजर प्रिमाइस एंड द प्रिडिकेट ऑफ द माइनर प्रिमाइस। सब्जेक्ट प्रिडिकेट ये सब क्या है, इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो चैनल के ऊपर। सारे जितने भी क्वेश्चन आए ना, सब कराए हुए हैं। जो मेरा ऑनलाइन बैच चल रहा है ना, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग सारे यूनिट वाइज क्वेश्चन कराते हैं और सारे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं वहाँ पर। तो आगे चलते हैं हम लोग, अभी भी बैच चल रहा है, या आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो बैच का क्या सीन है। अनुमना, कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ अनुमना। अनुमना क्या है? सिक्स वैलिड नॉलेज में से एक नॉलेज इंडियन लॉजिक का, ठीक है। व्यक्ति क्या होता है? इनवेरिएबल रिलेशनशिप। इनवेरिएबल रिलेशनशिप कौन रिलेशनशिप होती है? जो बार बार रिपीट हो, जैसे जहाँ जहाँ धुआं वहीं आग, ठीक है। जहाँ धुआं वहीं आग वाली बात जैसे हो गई, तो यह हो गया आपका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पूछ रहा है इनवेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन द माउंटेन एंड फायर, तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई रिलेशनशिप बार बार रिपीट तो होगी नहीं। जब भी आप आग लगाओगे धुआं होगा ही होगा, नॉर्मल सी बात है। जहाँ आग वहीं धुआं, ओके, जहाँ आग वहीं धुआं आपको मिलेगा, तीसरे में तीसरा आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नो सोशल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन। हाँ, बिना कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे? सही बात है ये तो। कम्युनिकेशन प्ले वाइटल रोल इन अवर डेली लाइफ, बिल्कुल। एजुकेशन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, बिल्कुल। आगे चलते हैं हम लोग। इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट यूजली हैव अ ग्रुप जर्नल, जो हम लोग मैगजीन नहीं लिखते हैं जब हम लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। तो एज अ टूल दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर थॉट एंड आइडियाज, बिल्कुल। थॉट एंड आइडियाज को एक्सप्रेस करने का तरीका तो है ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है आपका। एज एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस व्हाट दे हैव लर्न, हाँ, क्या लर्न किया भैया, आप वहाँ पे लिख देते हो, ठीक है। वे टू स्ट्रेस हम नहीं कह सकते, और सेटल डाउन विथ अथॉरिटी, ये तो नेगेटिव हो गया कि हिसाब करेंगे हम, चलेंगे लड़ाई झगड़ा करेंगे हम मैनेजमेंट के साथ, ये नहीं होगा। ए एंड बी हो जाएगा आपका, ए एंड बी हो जाएगा आपका, ए एंड बी हो जाएगा आपका, तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू अ डिडक्टिव आर्गूमेंट। डिडक्टिव आर्गूमेंट में क्या होता है? लॉजिकल नेसेसिटी होती है, ठीक है, पीछे मैंने बताया था। और इंडक्टिव में क्या होता है? प्रिडक्शन होता है, प्रिडिक्ट करते हैं हम लोग इंडक्टिव के अंदर। और डिडक्टिव में क्या होता है? लॉजिकल नेसेसिटी होती है। और जो डिडक्टिव होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर आर्गूमेंट टाइप का होता है। शुरू कहाँ से होता है? थ्योरी से। ख़त्म कहाँ पे होता है? थ्योरी को इम्प्रूव करके। इंडक्टिव जो होता है ख़त्म कहाँ पे होता है? थ्योरी जनरेट करके, ओके। इसका वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने शॉर्ट में समझा भी दिया आपको। तो आंसर आपका बी हो जाएगा इसका। 45 क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव क्या है? मेंटल एबिलिटी है, ए का 4 हो जाए। न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपको कॉग्निटिव चाहिए ही चाहिए। इमोशन, इमोशनल क्या है? सोशल क्या है? रिलेट टू अदर्स, सोशल बोल सकते हैं हम। इमोशन क्या हो सकता है? एबिलिटी टू रीड अदर फेसेस बोल सकते हैं हम। 3 हो जाएगा इसका, और डी का 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, देख लेते हैं। ए का 4 और डी का 2, दूसरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा 45 तक आइए, ठीक है। 44 भी करा दिया है ना, सारे क्वेश्चन हो गए। अब चलिए पैसेज पे चलते हैं जल्दी से हम लोग। ये आपके सामने पैसेज आ गया था, ठीक है। तो ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो पैसेज का, और पेपर चाहो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं नीचे नंबर प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सअप का। और मेरी बुक भी है जहाँ पे सारे 10 सेट सॉल्व हैं विथ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप बुक भी परचेज कर सकते हो, उसके लिए मुझे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा आपको व्हाट्सअप पर। तो 46 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 46 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ये मैं डायरेक्टली आपको लगवा दे रहा हूँ क्वेश्चन, तो ओके पैसेज के 47, एक मिनट में रुक जा रहा हूँ, ओके। अब मैं आगे चलता हूँ। 47 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी
सी का मतलब ये हो गया ओनली बी सी डी। 48 पे मैं आ जाता हूँ, 48 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 49 पे जाता हूँ मैं, क्वेश्चन वही पैसेज बार बार सेम रिपीट है, क्वेश्चन पर रुक जाता हूँ मैं। आप क्वेश्चन चाहो तो क्लिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ आर्ट इज़ द बेस्ट टाइप एज पर पैसेज, ठीक है। 49 क्वेश्चन ये है आपका, 49 का आंसर आपका बी है। अभी मैं सीधे से आंसर लगवा रहा हूँ आपको इसका पैसेज का, ओके। और 50 जो आ जाइए आप यहाँ पे, 50 आपका हो जाएगा, 50 का बी, ओके गाइज। उम्मीद है आपको पेपर समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखिए और पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, और पेपर्स के पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।